नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का नॉलेज फ्रॉम आरपी यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल क्राइटेरिया के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी डिफेंस फोर्सेस जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, कोस्ट गार्ड या फिर नेवी पुलिस तक की नौकरी में अगर आप जाना चाहते हैं एज अ ऑफिसर, एज अ सोल्जर, तो आपको एक टेस्ट गुजरना पड़ता है। लास्ट में वो होता है मेडिकल टेस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। लोगों को बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में नहीं पता होती हैं कि किस तरह के टेस्ट होते हैं, क्या मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो कुछ चीज़ों में तो ऐसा होता है कि आप खुद में देखकर समझ सकते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं, और अगर कोई कमी रह गई है तो क्या मैं उसे सुधार सकता हूँ कि नहीं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, सर से लेकर पैर तक सारे बॉडी के स्ट्रक्चर में कैसे क्या चीज़ें होनी चाहिए इसके ऊपर चर्चा की जाएगी एकदम विस्तार से। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें, और कैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अगर हैं तो आप डिफेंस फोर्सेस में नहीं जा सकते, तो उसके लिए आप अपना समय न बर्बाद करें। साल, दो साल, तीन साल बार बार प्रयास करने का आप कोई और अच्छी चीज़ ढूंढ के तरफ जा सकते हैं जिसमें आप अच्छे हों, बेटर हों, और हो सकता है कि वो इससे ज़्यादा ही अच्छी हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं हाइट और वेट। हाइट और वेट ये आपका आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप जा करके सेंटीमीटर एक आता है फीता दीवार पे टिक लगा करके आप अपनी हाइट ले लें। उसके बाद होता है वेट। वेट जो होता है वो हाइट के अकॉर्डिंग ही होता है। बीएमआई इंडेक्स होता है एक, बॉडी मास इंडेक्स, उसके थ्रू भी कई जगह जो है उसको रेशियो निकाला जाता है कि हाइट के हिसाब से क्या आपका वेट होना चाहिए। तो ये जो होता है ये पोस्ट बाय पोस्ट और डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट, जॉब बाय जॉब ये वेरी करता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, गर्ल्स के लिए डिफरेंट होता है, बॉयज़ के लिए डिफरेंट होता है। तो आप ये नोटिफिकेशन में साफ साफ होता है कि आपकी क्या हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और आपका जो है क्या वेट होना चाहिए। उसके बाद आप अगर पायलट बनना चाहते हैं डिफेंस फोर्सेज में तो उसकी हाइट और वेट मिनिमम अगर आपके पास है, उसके बाद भी कई तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपका पैर कितना लंबा होना चाहिए, मिनिमम 99 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 120 सेंटीमीटर होना चाहिए, आपकी थाई लगभग 64 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो कई चीज़ें होती हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि जगह बहुत ही लिमिटेड होती है, ना बहुत ही ज़्यादा छोटे आदमी उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना बहुत ही ज़्यादा लंबे, आपके घुटने कॉकपिट में लड़ने लगेंगे, इसलिए उसके लिए ये बनाया गया है। तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो हाथ वगैरह सब की एक मिनिमम लंबाई होती है। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सिर्फ पायलट के ऊपर कि उसके लिए मेडिकल रिक्वायरमेंट क्या होती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरली क्या होना चाहिए। तो मैंने एक मॉक इंटरव्यू टाइप का एक मेडिकल टेस्ट दिया था जिसमें मुझे कई चीज़ों का मतलब ज्ञान हुआ कि कैसे कैसे किस तरह के टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है या फिर फ्यूचर में आप देंगे, तो मेडिकल टेस्ट में जाने से पहले अपने दांत, अपने नाक और अपने कान अच्छे से साफ करवा लें किसी डॉक्टर के पास जाकर, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से टेम्परेरी अनफिट कर दिए जाते हैं। तो आप ऐसा चांस बिल्कुल मत लीजिए, आप इन चीज़ों पर खास ध्यान रखिएगा। और ज़्यादा समय नहीं लगता, एक दिन नाक के डॉक्टर के पास जाइए, एक दिन कान के पास जाइए, एक दिन उसके पास जाइए, आपकी दांत की वगैरह क्लीनिंग वो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ हो जाने के बाद आप जब वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले वो आपकी आईज चेक करते हैं। सबसे पहले नहीं, मतलब मैं शुरू बॉडी टाइप बता रहा हूँ ऊपर से नीचे तक। तो आपकी आईज में क्या होता है कि जैसे कि जॉब नोटिफिकेशन आती है तो उसमें साफ साफ लिखा होता है वो 6 out of 6 चाहिए या CS 6 out of 9 चाहिए, बोथ आईज चाहिए या सिंगल आईज चाहिए। तो ये अगर आप चश्मा लगाते होंगे तो आपको इसका काफ़ी ज्ञान होगा कि 6x6 और 6x9 क्या होता है, और उसके अकॉर्डिंग आप जो है अपना वो देख सकते हैं। उसके बाद आपकी कोई सर्जरी अगर हुई है, लेसिक सर्जरी वगैरह, तो वो भी उसमें लिखा होता है कि वो अगर हुई है तो कितनी पुरानी होनी चाहिए। जैसे कि पायलट वगैरह में 1 साल पुरानी सर्जरी को अलाउ करते हैं, तो ऐसे करके होता है सब कुछ। उसके बाद आपकी नाक जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़, ये जो नाक का पोर्शन होता है इसमें नसल डेविएटेड स्पेक्टम नाम की एक चीज़ हो जाती है। जनरली वो क्या होता है कि आपका जो मांस है इस नाक का अंदर का, वो या तो किसी एक तरफ बढ़ जाता है और नाक हल्की सी टेढ़ी हो जाती है। जैसा कि आप मेरी ही नाक देख सकते हैं, आपको हल्की सी मतलब इधर से दबी हुई लग रही है, मुझे हल्की सी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके लिए भी जैसे वो यहाँ पर नाक में आपके नाक के अंदर आपके मशीन डालकर जो है चेक करते हैं कि जो है आपको ऐसा है कि नहीं, और वो तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, 10 में से 4-5 लोगों को ये होती है। तो इसका बहुत ही छोटा सा एक ऑपरेशन होता है और आप तुरंत अपने घर जा सकते हैं, और एक हफ्ते में एवरीथिंग नॉर्मल हो जाती है सब चीज़ें।
इसे कहते हैं नसल डेविएटेड स्पेक्ट्रम। आपको मैं यहाँ पर इमेज भी आते रहेंगे समय के साथ, जैसे मैं बोलता रहूँगा उससे रिलेटेड, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो इसका ऑपरेशन होता है, अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपकी नाक में ऐसा कुछ है, या फिर आपको किसी सांस नाक से सांस लेने में दिक्कत होती है, तो आप किसी डॉक्टर से जाके मिल लें अच्छे नाक के, और वो आपको सलाह दे देगा कि आपको क्या कराना चाहिए। उसके बाद आता है आपके दांत। दांत में क्या होता है कि आपके दांतों को क्या होना चाहिए, एकदम क्लीन होना चाहिए, उसमें कोई किसी प्रकार की सड़न नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कैविटी नहीं होनी चाहिए, और 14 डेंटल ब्लॉक्स होने चाहिए। थोड़ा अगर हाई फाई प्रोफाइल ऑफिसर वगैरह के लिए जा रहे हैं तो इसमें ब्लॉक्स होते हैं, तो आपके कम से कम 14 डेंटल ब्लॉक्स होने चाहिए। दांत टूटे वगैरह नहीं होने चाहिए, अगर टूटे हैं तो आप किसी किसी जॉब में वो आर्टिफिशियल टीथ को अलाउ कर देते हैं, तो आप वो लगवा सकते हैं। उसके बाद ईयर होता है, ईयर भी आपके वो जो है मशीन डाल के चेक करते हैं, और उसमें देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई गंदगी नहीं हो, पर कान के पर्दे में कोई दाग धब्बा या छेद ना हो। तो ये सब तो आप अंदर घुस के नहीं देख सकते, लेकिन जनरली वो क्या करते हैं कि एक पेपर शीट लेते हैं आपके कान के ऊपर, उसे रखते हैं और ऊपर से ऐसे ऐसे पेंसिल चलाते रहते हैं, और कुछ दूरी पर बैठा हुआ एक आदमी नंबर्स काउंट करता रहता है, 23, 78, 85, और आपको वो चीज़ सुन करके दूसरे कान से या फिर इस कान से बतानी होती है कि उसने क्या नंबर बोला है। उसमें भी 10 में से 6-7 आप अगर सही बता देते हैं तो आपके कान सही माने जाते हैं। उसके बाद आपका ये हो गया सारा कुछ ऊपर का, जनरली और कोई चीज़ नहीं होती है। उसके बाद जब आप बॉडी में नीचे जाते हैं तो आपके कुछ नॉर्मल टेस्ट होते हैं जो कि आप घर पे नहीं कर सकते, जैसे कि आपका होता है बीपी चेक होता है, हार्ट बीट चेक होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, एक्सरेज वगैरह होते हैं, तो वो सब अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है कि आपकी सारी किडनीज और इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो सही काम कर रहे हैं, सही हैं कि नहीं। और उसके बाद फिज़िकली बात करा जाए तो अगर हम हाथ पे आते हैं तो हाथों पर भी काफ़ी वो होता है, जैसे कि मैं ऐसे हाथ करता हूँ अपना, तो हाथों का देखिए ये और ये पार्ट जो है, मीन्स ऐसा मैं दिखाता हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट है, देखिए एक एंगल बना हुआ है। बहुत सारे लोगों के हाथ बहुत टेढ़े होते हैं, तो ये टेढ़ा होने का एक रिक्वायरमेंट होता है कि इस एक उनके पास स्केल होती है, वो ऐसे इधर इधर रखते हैं, बीच में चांदा लगा होता है, चांदे में वो डिग्री बता देता है कि कितने डिग्री आपके हाथ का एंगल है। तो ये एंगल आपका 5 डिग्री से लेकर के 15 डिग्री या 14 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 5 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट होती है आपके हाथों की। क्योंकि अगर आपके हाथ टेढ़े होंगे, अगर आप डिफेंस फोर्सेस में गए और आप ड्रिलिंग वगैरह कर रहे हैं और आप ऐसे हाथ चला रहे हैं, और वो पीछे वाले के मुंह पे लग सकता है अगर आपके हाथ टेढ़े होंगे, तो ये सब रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और जो आपके कुछ स्पेशल टाइप के हथियार होते हैं उनको भी चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, इसीलिए वो ऐसे लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद आपकी उंगलियाँ आती हैं, उंगलियाँ आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए, और उंगलियों में किसी भी प्रकार की जब आप ऐसे करते हैं हाथ, कपकपाहट नहीं होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर आपको कहेगा आप हाथ फैलाओ और सीधे कर दो, तो आप ऐसे रोके रहेगा 10-5 मिनट, तो आप अपना हाथ स्टेबल कर पाते हैं। जैसे आप मेरे उंगलियां देख सकते हैं स्टेबल हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की कब कांपाहट होती है। आप अपना चेक कर सकते हैं आपका हाथ कांपता है कि नहीं, और कमेंट में बताएं कि आपका हाथ उंगलियां कांपती हैं कि नहीं, जैसे ऐसे ऐसे स्टेबल नहीं रहती है। तो ये इस तरह की उंगलियां नापते हैं। उसके बाद आपका चेस्ट का मेजरमेंट होता है, चेस्ट आपका 75-80 के आसपास होना चाहिए, वेरी करता है जॉब बाई जॉब, लेकिन 5 सेंटीमीटर का मिनिमम एक्सपेंशन ये हर जॉब में मांगता है। आप चपरासी भी बनना चाहते हैं पुलिस में या फिर किसी डिफेंस फोर्सेज में, तो आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। एक्सपेंशन करने का भी एक तरीका होता है, सांस पूरी खींचिए और पूरा पेट अपना अंदर खींच लीजिए, तो आपका पूरा सीना फूल के बाहर आ जाएगा। तो कम से कम 5 सेंटीमीटर आपका फूलना चाहिए। चेस्ट की बात हो गई, अब और नीचे चलते हैं तो नीचे आपके पैरों में, वो पैरों को चेक करते हैं। पैरों में क्या होता है कि आपके जनरली 3 तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, पहला फ्लैट फीट होता है, दूसरा नॉक नी, तीसरा बो लेग। नॉक नी वगैरह तो सभी जानते हैं, नॉक नी में क्या होता है जैसे कि हम खड़े होते हैं, आप इधर इमेज आ रही होगी देख सकते हैं, तो घुटने हमारे नहीं सटने चाहिए अगर हम एड़ी मिलाकर खड़े होते हैं। बहुत सारे लोगों को जनरली लड़कियों को आप मार्केट वगैरह में चलते हुए आपकी जब नज़र पड़ती होगी देखते होंगे, तो उनके पैर एकदम टेढ़े होते हैं, ऐसे आते हैं फिर ऐसे घुटने से घूम जाते हैं, वो नॉक नी होता है। तो नॉक नी में क्या होता है कि घुटने अगर आपके सट रहे हैं, तो अगर आप रनिंग कर रहे हैं या फिर परेड कर रहे हैं, तो आपके घुटने आपस में लड़ सकते हैं और आप गिर सकते हैं, इसलिए जो है वो नॉक नी वालों का अलाउ नहीं करते। लेकिन नॉक नी कोई ऐसी बीमारी नहीं है या फिर कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है जो सही नहीं हो सकता। अगर हल्का फुल्का नॉक नी है तो आप बीच में पैर में तकिया लगाकर सोएंगे। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जैसे हाउ टू करेक्ट नॉक नी प्रॉब्लम, तो आप तकिया लगा के सोएंगे, कुछ
खास तरह की एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप करेंगे तो आपका नॉकनी सही हो जाएगा। फ्लैट फिट क्या होता है कि आपके जो फिट्स होते हैं नीचे जो मेरे हाथ की थली ये है हथेली, वैसे ही पैर के जो नीचे टाइप का है उसमें बीच में गहराई होनी चाहिए, वो कर्व शेप में होना चाहिए। अगर वो फ्लैट फिट होता है तो अच्छी बात नहीं है, इसके लिए एक स्पेशल टाइप के जूते आते हैं। अगर आपको फ्लैट फिट है आप उसे 2-4-5 महीने पहनेंगे लगातार तो आपका फ्लैट फिट का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। फ्लैट फिट चेक करने के लिए जनरली वो आँखों से ही देखते हैं और अगर उन्हें थोड़ा बहुत शक लगता है या फिर नहीं समझ में आता तो आपका एक बार पैर पानी में रखाते हैं, उसके बाद अलग रखवाते हैं, तो उसके बाद देखने पर उनको पता चल जाता है कि आपको फ्लैट फिट की प्रॉब्लम है या नहीं। उसके बाद होता है बोलेग। बोलेग बहुत कम लोगों को पता है, ये होता भी जनरली बहुत कम लोगों को है लेकिन बहुत सारे लोग इसकी वजह से छट जाते हैं। बोलेग में क्या होता है, जैसे आपके घुटने जो होते हैं वो नॉकनी में सटते हैं, बोलेग में नहीं सटते हैं, ज़्यादा दूर होते हैं, मतलब पैरों का सिर्फ कुछ टेढ़ा होता है, कर होता है। हल्का फुल्का मुझे भी बोलेग है लेकिन मैं आपको इधर इमेज में दिखाऊंगा कि बोलेग की समस्या का कैसे दिखती है और उसको भी सही करने के तरीके होते हैं। आप अपने पैरों में बीच में कपड़े बांध के कस के रात में कई 2-3 मिनट तो सोइए तो वो सही हो जाता है। कुछ खास तरह की एक्सरसाइज वगैरह होती हैं वो होते हैं। उसके बाद पैरों के बाद आपके हाथों में जो है पसीना नहीं आना चाहिए। पसीना आने के भी जो है कई कारण होते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा आता है, बहुत सारे लोगों को कम आता है। तो इसके लिए एक लिक्विड आता है मार्केट में, मैं जहाँ पर मेडिकल कराया था तो उसे शक हुआ था कि मुझे थोड़ा पसीना आ रहा है, तो उसने मुझे 100 रुपये की एक बोतल दी थी। तो जब आप SSB के बाद मेडिकल वगैरह में जाने वाले हों तो 1-2 हफ्ते पहले रोज़ अपना पानी में हाथ डाल के 10 मिनट रखिए तो वो आपका वो स्वेटिंग वाला प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए ख़त्म हो जाता है। तो वो एक समस्या थी, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। अब आँखों में एक सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंडनेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस जो होती है वो उसका कोई इलाज नहीं है, वो जेनेटिक होता है, आपके परिवार में किसी ना किसी को हुआ होगा और जनरली एक जनरेशन छोड़ के आता है। जैसे अगर आपके नाना को है तो आपको हो सकता है, आपके बच्चों के बच्चों को हो सकता है, तो एक जनरेशन गैप करके आता है और किसी ना किसी को जरूर होगा अगर आपको अगर ऐसा है। और आप ये घर पे ही चेक कर सकते हैं कि आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है कि नहीं। कलर ब्लाइंडनेस चेक करने के लिए कॉमन ही इशारा प्लेट की बुक आती है, इशारा प्लेट उसको बोलते हैं, और वो ही हर जगह आपको दिखाई जाती है। उसमें क्या होता है, कई तरह के पैटर्न्स बने होते हैं कई कलर के डॉट्स से मिलकर, और उसमें आपको एक पर्टिकुलर नंबर या फिर पर्टिकुलर रास्ता या पर्टिकुलर कलर बताना होता है कि कहाँ से कहाँ है। इशारा प्लेट कुछ दिखने में ऐसी होती है, तो इसमें कई तरह के 2 तरह के इशारा प्लेट आता है, 28 पेज का आता है, 36 पेज का आता है। आप उसे इंटरनेट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको ऐसे कोई समस्या होगी तो आपको पता चल जाएगा। और मुझे लगता है मैंने लगभग सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं मैंने बता दिया। जैसे आपका हाँ पीठ में बैक में वो देखते हैं कि बैक आपका जो है कर्व वगैरह नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों की बैक आप देखते होंगे टेढ़ी होती है, ऐसे ऐसे करके वो चलते हैं सीना आगे निकाल करके, वो सब भी डिफेक्ट होता है, वो सब भी नहीं चलता। और उसके बाद वो आपके इनर वेयर्स को उतरवा करके मतलब आपको पूरा नंगा करके आपके आगे पीछे के जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसको भी देखते हैं। जैसे पीछे देखते हैं कि आपको बवासीर वगैरह टाइप की कोई या फिर पाइल्स वगैरह तो नहीं है, और आगे के में आपके जो है वो देखते हैं कि जैसे कि कोई किसी प्रकार का पाइल्स वगैरह ना हो, किसी प्रकार का कोई और डिफेक्ट ना हो, वो सब चीज़ें देखते हैं। आपको हाइड्रोसील वगैरह ना हो, बहुत सारे लोगों को हाइड्रोसील बढ़ जाती है, और भी कई तरह के टेस्ट होते हैं वो डॉक्टर्स अपने हिसाब से देखते हैं। उसमें 10-10 बच्चों को बुलाते हैं एक साथ, सबके पैंट्स कहते हैं अंडरवियर डाउन, सभी अपने अंडरवियर डाउन करके खड़े हो जाते हैं। थोड़ा ऑकवर्ड मूवमेंट होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सब कर वहाँ पर रह ही रहते हैं, कोई एक दूसरे को देखता नहीं, सब मोड़ी नीचे खे रहते हैं या फिर सामने देखते रहते हैं और डॉक्टर्स अपना चेक करके चला जाता है। मेरा भी उतर चुका है, उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। जब मैंने मॉक मेडिकल टाइप का दिया था, दिल्ली में आप रहते हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, दिल्ली में एक बालोनी एकेडमी नाम की कोचिंग है जनकपुरी तिलक नगर में, वहाँ पर एक डॉक्टर गुलाटी हैं जो कि हेड रह चुके हैं आर्मी हॉस्पिटल्स के, और SSB में भी वो जो है एज अ असेसर ड्यूटी कर चुके हैं, और वो प्रेसिडेंट के डॉक्टर भी रह चुके हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। वहाँ पर वो 300-400 रुपये की मेडिकल फ़ीस लेकर के एक जनरल सा मेडिकल चेकअप करते हैं जिसमें आपको वो कोई कमी होती है तो बता देते हैं। तो वैसा आपके शहर में भी हो सकता है या फिर आप डायरेक्ट क्लास 1 मेडिकल ही करा सकते हैं अगर आपके पास थोड़े पैसे वगैरह हैं और आप बड़े शहर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्लास 1 मेडिकल जनरली दिल्ली वगैरह में ही होता है, छोटे शहरों में भी सुविधा होती है लेकिन वो सही से करते नहीं है। तो ये थी कुछ मिला के मेडिकल की कुछ बातें, कुछ चीज़ों को शायद मैं भूल गया हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अगर मुझे याद आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पूछनी हो, अगर उसके बारे में मुझे पता होगा तो मैं आपको जो है
बता दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने का। और जो है बाकी आप लोगों से फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय।